फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक पेट है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बिकॉज अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो इससे डॉग बहुत लोनली फील होता है। या तो आपके पास पेयर हो, मतलब दो मेल हो या दो फीमेल हो, या ऐसे मतलब दो डॉग्स होने चाहिए जिससे उसकी एक कम्युनिटी बन पाए। अगर दो डॉग्स नहीं हैं तो दोस्तों आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डॉग को टाइम दें। अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो वो लोनली फील करने लगता है, बिकॉज उसके माँ बाप तो है नहीं, जिनके साथ वो रहता है वही उसके माँ बाप हैं, वही उसकी फैमिली है। और खासकर जर्मन शेपर्ड जो हैं वो अपने मालिकों से बहुत लगाव रखते हैं। अगर हम इसको टाइम कभी नहीं दे पाते हैं तो ये हमारे पीछे 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 घुमा करती है पूरे दिन, जब तक हम इससे प्यार से बात ना करें। और ये हर व्यक्ति से इंटरेस्ट रखती है, हर व्यक्ति के पास जाना पसंद करती है, चाहे वो मेरे पापा हों, उससे अलग, उनसे अलग रिलेशनशिप है, डस्टी की मम्मी से अलग रिलेशनशिप है और मेरे से अलग रिलेशनशिप है। इसका एग्जांपल ये है कि जब पापा सोफे पे बैठते हैं तो डस्टी तुरंत सोफे पे चढ़ जाती है, बिकॉज पापा हमारे सोफे पे बैठते हैं तो वो डस्टी को पकड़ के थोड़ा सहलाते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए वो एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे डस्टी फटाक से चढ़ जाती है जब पापा होते हैं। तो जब मम्मी बैठती हैं तो वो सोफे पे नहीं चढ़ती है, वो नीचे ही लेट जाती है वहीं पे। लेकिन जब मैं होता हूँ तो सिर्फ दो पैर ऊपर रखती है। तो दोस्तों, ये रिलेशनशिप और इसका एक्शन एक ही जगह पे ये बताता है कि ये जो सामने वाला मूड है, सामने वाला बंदा है, उसके मूड के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। तो ये जर्मन शेपर्ड की इंटेलिजेंस है, और जर्मन शेपर्ड बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले भी थे, एक फीमेल थी, उसके वो लॉन्ग कोट नहीं थी, वो मीडियम कोट थी। तो मीडियम कोट थी बट वो बहुत हाइपर एक्टिव थी, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम जर्मन शेपर्ड लेंगे तो हम फीमेल ही लेंगे, बिकॉज हमारे पास मेल भी था। मेल में एक खासियत ये थी कि मेल की बार्किंग जो थी, जब वो बार्क करता था तो उसकी आवाज़ भारी थी, थोड़ी ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन जो हमारी फीमेल जर्मन शेपर्ड थी रोनी, उसकी जो आवाज़ थी वो उतनी डरावनी नहीं थी। मगर अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो हमारा डॉग बहुत लेथार्जिक था, बैठा ही रहता था और बहुत कम बार्क करता था, जबकि हमारी जो डस्टी थी, सॉरी ब्रोनी थी, वो बहुत ज़बरदस्त बार्क करती थी परमानेंट। रात में जब भी कोई अननोन साउंड आता था तो वो बार्किंग स्टार्ट कर देती थी। अभी ये जो डस्टी है हमारी, ये 8 महीने की है जहाँ तक, और हमारी जो ब्रोनी थी वो बड़ी थी, मतलब 3-4 साल की थी वो जब हमारे पास थी वो। तो उसके बाद वो भाग गई थी, और वो जो मेल जर्मन शेपर्ड था वो ही भाग गया था। तो दोनों ये भाग गए थे, इनको बाहर जाने की लत लग गई थी, तो ये तुरंत भाग जाते थे। और बहुत सारे लोग मिलने जुलने आते थे तो वो बहुत लोगों के साथ फ्रेंडली थी, तो वो कब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चल पाया हम लोगों को, और उसके बाद मिले भी नहीं। बहुत सारे ऐसे जर्मन शेपर्ड एस्ट्रे रोड पर आपको दिख जाते हैं, क्योंकि ये अपने घर से तो भाग आते हैं लेकिन फिर इनको कहीं जगह नहीं मिलती है कि कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। यदि कोई पकड़ लेता है तब तो ठीक भी है, इनको खाना पीना मिलता रहता है, नहीं तो इनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। इसीलिए अगर आप एक डॉग को पाल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि वो कहीं भाग ना जाए या भाग ना पाए, बिकॉज उसके इतना दिमाग नहीं होता है। सपोज़ एक दिन मेरे पिताजी जा रहे थे, तो जैसे ही जा रहे थे तो इसने देखा कि पापा गेट के एंड में पहुँच गए, तो ये पीछे से यहाँ से गेट इसको निकाला था हम लोगों ने टॉयलेट करने के लिए, लेकिन ये भाग गई पापा के पास। तो कम से कम ये 200 मीटर का डिस्टेंस भाग गई थी। जब पापा के बगल में पहुंची तब पापा ने रुक के इसको वापस लेके आए, और तब तक मैं भी पीछे से पहुंच गया था। तो ऐसा होता है कि कई बार हमारे डॉग्स जो हैं वो भाग जाते हैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट के चक्कर में, या मज़े के चक्कर में, या जो भी उनका चक्कर हो, वो बोर हो जाते हैं या फिर ऐसे नॉर्मली ही जाते हैं और खो जाते हैं, पता नहीं। बट फिर भी हमें अपने डॉग्स की पूरी केयर करनी चाहिए, पूरी केयर रखनी चाहिए, हमें उन्हें अच्छे से फीड करना चाहिए, हमें उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो हमें अपने डॉग्स को दूसरे डॉग्स के पास भी
लेके जाना चाहिए ताकि सोशलाइजेशन एक बना रहे, डॉग्स का डॉग्स की कम्युनिटी बनी रहे और उन्हें भी हमें नई नई जगह पर लेके जाना चाहिए। और मोस्टली मेरा मानना ये है कि आप अगर नेचुरल जगह पे लेके जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे गार्डन हो गया या कोई खेत का एरिया हो गया या जहाँ पे नॉर्मल मिट्टी है वहाँ पे जब आपको लेके जाते हो और डॉग्स को दौड़ने भागने को मिलता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने को मिलता है, खेलने को मिलता है, तो ये बहुत खुश रहता है। एक बात और कि जर्मन शेफर्ड के बारे में एक खास चीज़ है कि ये जब भी कोई अपनी एक्टिविटी करते हैं तो ये हाइपर एनर्जी के साथ करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी प्यासे हो जाते हैं और थक भी जाते हैं। मतलब जर्मन शेफर्ड ऐसे हैं कि इनको नॉर्मल रेट पे आपको पानी भी देना पड़ेगा बीच बीच में, रेस्ट भी देना पड़ेगा दो एक्टिविटी के मिड में, तब ये ऐसा हो पाएगा कि ये आपके साथ सस्टेन कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ये थक बहुत जल्दी जाते हैं और जैसे थकते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जीभ पूरी की पूरी बाहर आती चली जाती है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। हम लोग कहीं भी जाते हैं डस्टी को लेके, तो सबसे पहले डस्टी के पहले उसका पानी जाता है। खाने के लिए आप कुछ नहीं दोगे तब भी एक बार चल जाएगा, बट अगर आप कहीं लेके जा रहे हो और बाय द वे आप पैदल लेके जा रहे हो वॉकिंग करते हुए, तब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका पानी साथ में लेके चलें। नहीं तो फिर जब ये प्यासी होगी तो इसकी जीभ बाहर आती जाएगी और इसकी टंग की लेंथ बढ़ती जाएगी और आपको इसको देख के लगेगा ये अनइजी होती जाएगी। तो इसीलिए बेहतर है कि हम पानी लेके चलें और डस्टी को टाइम टाइम से पानी पिलाते रहें या जर्मन शेफर्ड को टाइम टाइम से पानी पिलाते रहें। उसके बाद हमारी डस्टी को एग बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अभी तो ये इतना ज़्यादा पसंद कर रही है, अभी मीट से ज़्यादा एग पसंद कर रही है। तो दोस्तों ये भी एक चीज़ है कि जो आपके पेट को पसंद हो आप उसको फीड करते रहें थोड़े थोड़े टाइम पे। जैसे कल मैं एग लेके गया था, एक पूरा बाहर हमारा कालिया बहुत दिनों बाद आया था तो उसके लिए मैं लेके गया था, तो जब मैं देके आया तो मैंने अपना हाथ इसको ऐसे मज़े के लिए सूंघाया और जैसे ही इसने मेरा हाथ सूंघा वैसे ही ये पागल हो गई, एकदम उछलने लगी, कूदने लगी, बड़ी खुश हो गई। तो फिर रात में फिर हमने इसको अंडा तो नहीं दिया था बिकॉज दो अंडे की डाइट ये पहले ही खा चुकी थी, तो हमने इसको एक बड़ा सा आलू दे दिया था उबला हुआ, तो इसने वो आलू खा लिया था और इसको सेटिस्फेक्शन मिल गया था। तो जो भी आपके डॉग्स को अच्छा लगता है आप उनको थोड़ा थोड़ा फीड करें, है ना, बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर पता है आपको फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या स्टेटमेंट बोलेगा। तो दोस्तों ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। उसके बाद ये जो पेट्स हैं इनके लिए रबर की बॉल भी आती है, वो भी है हमारे घर में, वो नीचे पड़ी है, नीचे खेलती हैं, एक इनकी रबर की बोन है उससे खेलती है। और ये जो बॉल है ये टेनिस बॉल है, बहुत लाइट है और बहुत स्पॉन्जी टाइप की भी है, बहुत तगड़ी स्पॉन्जी नहीं है बट स्पॉन्ज है इसमें, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, जैसे मारुति गोल्ड की बॉल्स होती हैं उतनी हार्ड नहीं है। तो ये इसको आराम से खेलती रहती है और ऐसी हमारे पास 6-7 बॉल्स हैं तो ये उनसे खेलती रहती है और बहुत मज़े लेती रहती है बिकॉज इनमें एक तरह का जंप भी होता है। बट अभी मैंने 6-7 नहीं निकाली, अभी सिर्फ एक निकाली बिकॉज मैं ज़्यादा खेलने के मूड में नहीं था अभी, और डस्टी ने पिताजी के साथ भी खेल लिया है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं हल्का ही रखने के मूड में था इनको ताकि ये थोड़ा ठंडक का मज़ा ले सकें, नहीं तो अभी दिन भर गर्मी ही होनी है तो उसमें परेशान हो जाएंगे। तो अभी ठंडक का आनंद लें, ज़्यादा थके नहीं और नॉर्मली अपनी लाइफ को इंजॉय करें। दोस्तों आज थर्सडे है, साईं बाबा का दिन है तो साईं दरबार जाना बनता है, अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली। हमारे बिठूर में एक साईं दरबार है, बहुत पॉपुलर है, उसको हम लोग छोटा शिरडी के नाम से जानते हैं और छोटा शिरडी बोलते हैं, और बहुत मतलब बहुत दिव्य दरबार है। मंदिर तो बिठूर है क्योंकि यहाँ पे मंदिर ही मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बट साईं दरबार जो है हमारा स्पेशल टेम्पल है और बहुत बड़ा है, आज का नहीं है वो। पहली बार जब मैं आया था साईं दरबार तो मैं क्लास 6th में था, तो आप सोच लीजिए कि मैं अभी सब कुछ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ टोटल, तो जब मैं 6th में रहा होऊंगा तो वो कौन सा ईयर रहा होगा, तो मतलब वो 20-25-30 साल से मंदिर वहाँ पे बना हुआ है और आज भी फंक्शनिंग में है, आज भी उतना ही पॉपुलर है। तो इसका मतलब है कि वो मंदिर जो है उस मंदिर में लोगों की भावनाओं की कद्र है और वहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास
हमारे पास में एक साईं दरबार पड़ता है और हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बिकॉज लोग लखनऊ से, उन्नाव से, कन्नौज से, रायबरेली से इतनी दूर दूर से हर थर्सडे को आते हैं अभी भी। तो हमारा डिस्टेंस जस्ट पड़ता है 10 किलोमीटर्स, तो हम इस मायने में बहुत लकी हैं कि हमारा घर बहुत पास पड़ता है, बिकॉज जो लोग रेगुलरली आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए बहुत ही मतलब एक टिपिकल टास्क पड़ जाता होगा आना और जाना, बिकॉज 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है ना। और महीने में मुझे लगता है कि जो बाबा को मानने वाले हैं वो कम से कम 2 बार तो आते हैं, तो 2 बार के ट्रैवलिंग करना। और अब तो बाबा के इतने सारे मंदिर हो गए हैं, इतने मंदिर हो गए हैं कि जिसका जवाब नहीं। साईं दरबार आप जहाँ पे भी जाओगे तो वहीं पे आपको साईं दरबार मिल जाएगा, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अब मैं जाके डस्टी को पानी मिला पिलाता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम।